नमस्कार सभी को। आइए जीवन प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज की योग अभ्यास शुरू करने से पहले अपनी जगह पर स्थान को ग्रहण कर लें। किसी भी एक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, सिद्धासन या मुद्रा बना करके कष्टभंजन मुद्रा को मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, कमर गर्दन को सीधा रखें एकदम। आंख को बंद करते हुए 3 बार ओम के उच्चारण के साथ आज की क्लास को शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति। आइए धीरे से अपने स्थान पर खड़े होने के बाद अपने राइट घुटने को मोड़ते हुए पीछे ले जाएं, फिर धीरे धीरे आगे की ओर, फिर वापस पीछे। इस तरह से इस क्रिया का अभ्यास करेंगे कम से कम 10 बार। 9, 10। इस तरह से इस क्रिया का अभ्यास करें। फिर अपने राइट पैर से करेंगे, लेफ्ट पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से इसका अभ्यास करें 10 बार अपने लेफ्ट पैर से, 10 बार राइट पैर से। अगली क्रिया, अपनी एडी को उठाते हुए हाथ को साइड में रखें, टच करेंगे इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से करें। फिर लेफ्ट पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से इस क्रिया को करें। अगली क्रिया, अपने घुटनों को आगे उठाएंगे ऊपर की तरफ, दोनों हाथ सामने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से इस क्रिया का अभ्यास करें। रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस भरें, फिर छोड़ें, फिर से वापस दोनों हाथ सामने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से इसका अभ्यास करें। अगली क्रिया, दोनों हाथों को सामने, अंगूठे को अंदर इस तरह रखें और उंगलियों को ऊपर से बंद करें, 90 डिग्री का कोण बनाएं पूरा। कोहनियों को अपनी बिल्कुल कंधे के बिल्कुल नीचे सीध में रखें, कमर से पीछे ना लेके जाएं, इस तरह बिल्कुल सीध में रखेंगे। श्वास की गति नॉर्मल चले। और अगली क्रिया है भुजबल शक्ति विकास, श्वास को बढ़ते हुए अपनी कोहनियों को सीधा करें, श्वास को छोड़ते हुए फिर वापस सीधा। ध्यान रखें कोहनी कमर से पीछे ना जाए, बिल्कुल 90 डिग्री कोण में श्वास बढ़ते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से इस क्रिया का अभ्यास करें कम से कम 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10 इस तरह से इस क्रिया का अभ्यास करें। अंगूठे को अंदर रखें, उंगलियों को हाथ से पूरा बंद करें, कोहनियों को बिल्कुल सीधा 90 डिग्री कोण में, कोहनियां कमर से पीछे ना जाएं, बिल्कुल सीध में रहें कमर के, सांस को बढ़ते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए फिर वापस नीचे। इस तरह से फिर से इसका अभ्यास करेंगे कम से कम 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से इसका अभ्यास करें, फिर रिलैक्स करें वापिस, फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे वापिस हाथ में ही, श्वास बढ़ते हुए आगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर नीचे। इस तरह से फिर से इसका अभ्यास करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। इस तरह से इसका अभ्यास करें। अगली क्रिया बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं टेंशन की पोजीशन में, हाथ को अपनी गंगा से दूर रखें, टच नहीं करना है, गंगा से स्पर्श नहीं करना, बिल्कुल साइड में रखें। श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे अपने राइट हैंड को उठाएं, इस तरह से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए उठाएं, फिर से श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए उठाएं, श्वास बढ़ते हुए ऊपर। याद रहे आपकी कोहनी कान को स्पर्श ना करे, और नीचे जब हाथ ले जाते हैं तो आपकी हथेली जंघा को स्पर्श ना करे, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से इसका अभ्यास करें, फिर अपने लेफ्ट हैंड से करें, राइट हैंड को बंद करें, मुट्ठी को बंद रखें, हथेली को खुली रखें, लेफ्ट हैंड की, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए डाउन, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से इसका अभ्यास करें, फिर राइट हैंड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर लेफ्ट हैंड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से इसका अभ्यास करें। अगली क्रिया फिर अपने दोनों हाथों को करेंगे, दोनों हाथों की हथेली को खुला रखें सामने की इस तरह, श्वास को बढ़ते हुए हाथों पर, हथेलियों को बाहर की तरफ घुमा के रखें, फिर श्वास को छोड़ते हुए डाउन, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से इसका अभ्यास करें।
से अगली बार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरह से इसका अभ्यास करें। अगली क्रिया ताड़ासन करेंगे, धीरे धीरे श्वास को बढ़ते हुए हथेलियों को इस तरह आसमान की तरफ रखिए, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, पंजे ऊपर, हाथ ऊपर, दोनों शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचे, बैलेंस बनाए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापिस साइड से हाथ नीचे, इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बढ़ते हुए हाथ साइड से ऊपर, पंजे ऊपर, बैलेंस बनाए, होल्ड करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरह से धीरे धीरे नीचे, किसी भी एक पॉइंट को चिन्हित करें, उसको देखते हुए बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। फिर से वापिस करेंगे इसका अभ्यास, धीरे धीरे श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, हाथ ऊपर, पंजे ऊपर, शरीर को पूरा ऊपर खींचे, गर्दन ऊपर की तरफ, बैलेंस बनाएं, होल्ड करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धीरे धीरे नीचे, इस तरह से इस आसन का अभ्यास करें। ताड़ासन का, उनकी हाइट की समस्या है, उनको अपनी पिंडलियों में, पंजों में, टखनों में दर्द आदि की समस्या रहती है, वो इसका अभ्यास जरूर करें। फिर से इसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे श्वास को रोकते हुए ऊपर, पंजे ऊपर, बैलेंस बनाएं, शरीर को पूरा ऊपर की ओर खींचे, होल्ड करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धीरे धीरे नीचे। अगली क्रिया, अपने दोनों हाथों की उंगली को क्रॉस करें इस तरह, इसे रखें नीचे को झुकाते हुए, सांस को भरें, सांस भरते हुए सामने, फिर ऊपर, फिर पंजे को खींचे, बैलेंस बनाए, वन टू थ्री फोर फाइव, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे, हाथ सामने, फिर नीचे, इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे कम से कम 5 बार, वन होल्ड करें, वन टू थ्री फोर फाइव, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते नीचे, टू श्वास छोड़ते ऊपर, धीरे धीरे वापिस, थ्री धीरे धीरे वापिस, फोर, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचे, धीरे धीरे वापिस, फाइव, ऊपर, धीरे धीरे नीचे, इस तरह से इस क्रिया का अभ्यास करें। अगली क्रिया, अपने दोनों हाथों को कमर पर रखिए, पंजों के बल उठेंगे, फिर नीचे का इस तरह उठें, फिर 20 बार इस क्रिया को दोहराएंगे, वन फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरह से इसका अभ्यास करें। अगली क्रिया, अपनी कोहनी की एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा सा, अपने राइट हैंड को इस तरह रखें, मुट्ठी को बंद करें और अंदर की तरफ घुमाते हुए फिर बाहर ले जाएं, इस तरह से इसका अभ्यास करें, वन टू थ्री फोर फाइव
सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर अंदर से बाहर की ओर बाहर, दूसरी तरफ टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से इसका अभ्यास करिए, फिर अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, अंदर से बाहर की ओर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर बाहर से अंदर की ओर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से इस क्रिया का अभ्यास करें, फिर राइट हैंड से अंदर से बाहर की ओर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर दूसरी तरफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर अपने लेफ्ट हैंड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दूसरी तरफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से इन क्रियाओं का अभ्यास करें, त्रिकोणी को चलाएं। अगली क्रिया, अपने दोनों हाथों को सामने रखें, हथेली आसमान की तरफ मोड़ते हुए अपने कंधे को स्पर्श करेंगे, सांस को छोड़ते हुए फिर सामने, सांस छोड़ते हुए स्पर्श करें, श्वास को छोड़ते हुए वापस। इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर हाथों को नीचे रिलैक्स करें, फिर से वापिस हाथ सामने, हथेली आसमान की तरफ, फिर से स्पर्श करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से इसका अभ्यास करें, फिर दोनों हाथों को साइड से ऊपर रखें, इस तरह बिल्कुल कंधों की सीध में, हथेली आसमान की तरफ, मोड़ते हुए कंधों को स्पर्श करें, फिर वापस, मोड़ते हुए कंधों को स्पर्श करें, फिर वापस। इस तरह से इस क्रिया का अभ्यास करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। धीरे से हाथ नीचे रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस को भरें, फिर छोड़ें, दो से तीन बार सांस भरें, पूरा पूरा सांस बाहर। इस तरह से इसका अभ्यास करें, फिर से वापिस हाथ साइड में, मोड़ते हुए कंधों को स्पर्श करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से इस क्रिया का अभ्यास करें, फिर धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, नीचे आइए, बैठ करके कुछ क्रिया करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ को पैर से उठा, पैर को उठाएंगे इस तरह से, मोड़ते हुए
अपने राइट पैर को ऊपर रखें, लेफ्ट घुटने के ऊपर। अपने लेफ्ट हैंड को पीछे से ले जाएं कमर के और राइट हैंड को ऊपर से इस तरह से कमर के पीछे क्रॉस करते हुए इस तरह से दोनों हाथों को पकड़ेंगे। पकड़ने की कोशिश करें, फिर अपनी कोहनी को, राइट हैंड की कोहनी को बिल्कुल अपने सिर के पीछे ले जाएं। इस गौमुख, इसको बोलते हैं गौमुख आसन, इस अवस्था में बने रहेंगे 20 सेकंड कम से कम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से इसका अभ्यास करें, कम से कम 20 सेकंड इसी आसन में बने रहें। फिर धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए सामने, पैरों को खोलते हुए साइड में, फिर पैरों को चेंज करें, राइट पैर को नीचे करें, फिर लेफ्ट पैर ऊपर, मोड़ते हुए इस तरह रखें। फिर अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाएं, राइट हैंड को नीचे से सेम उसी तरह पकड़ेंगे, खींचते हुए अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल सिर के पीछे और इसी स्थिति में बने रहें कम से कम 10 से 15 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर वापस अपने लेफ्ट पैर को नीचे रखें, राइट पैर उसके ऊपर मोड़ते हुए रखें इस तरह। अपने राइट हैंड को ऊपर से ले जाएं, लेफ्ट हैंड को नीचे से पकड़ते हुए दोनों हाथों से अपनी राइट कोहनी को बिल्कुल सिर के पीछे ले जाएं। फिर 10 सेकंड होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से इसका अभ्यास करें। फिर पैर को बदलने, राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर, लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाएं, राइट को नीचे से खींचते हुए कोहनी को, लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे। फिर 10 सेकंड होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से इस क्रिया का अभ्यास करें, 2 बार, 4 बार, 5 बार जितना भी आप कर सकते हैं इस तरह से इसका अभ्यास करें। पहले राइट पैर ऊपर, फिर लेफ्ट पैर ऊपर, पैरों को बदल करके हाथों को भी बदलने साथ में इस तरह से इस क्रिया को, गौमुख आसन को इसका अभ्यास करें हम। अगली क्रिया, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए पूरी श्वास को भरान हाथ नीचे ले जाते हुए हाथ ऊपर, श्वास भरें नीचे इस तरह से इस क्रिया का अभ्यास करें। प्राणायाम का पूरी श्वास को अंदर भरें, पूरी श्वास बाहर, पूरी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर। कम से कम 10 बार इसका अभ्यास करें। इस तरह से कम 10 बार इसका अभ्यास करें, 10 के 2 से 3 सेट लगाएं। शरीर को पूरा नॉर्मल करें, लंबी गहरी श्वास भरें, फिर पूरी श्वास को बाहर, लंबी गहरी श्वास भरें, फिर श्वास को बाहर। फिर से वापिस दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए श्वास को निकालते हुए नीचे। मन मन में गिनती गिने 10 बार इसका अभ्यास करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर वापिस हाथ नीचे, लंबी गहरी श्वास भरें, फिर पूरी श्वास बाहर, पूरी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर। इस तरह से 3 बार इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। फिर से वापिस हाथ ऊपर, श्वास को भरते हुए श्वास को छोड़ते हुए नीचे, 1, 2, 3,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से इसका अभ्यास करें, इससे आपके कंधे मजबूत होंगे, आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे। श्वास को अंदर बाहर करें, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा। इस तरह से इसका अभ्यास करें। अगली क्रिया, दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के सामने रखें, इस तरह श्वास को भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से करें, फिर हाथ नीचे लंबी गहरी सांस भरें, फिर छोड़ दें। इस तरह से इसका अभ्यास करें। फिर से वापस हाथ सामने, सांस बढ़ते हुए कोहनियों पर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से फिर से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर से वापिस लंबी गहरी श्वास भरें, पूरी श्वास को छोड़ दें बाहर। फिर से वापिस हाथ सामने, श्वास को भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। इस तरह से 10 बार फिर से अभ्यास। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास करें, 3-3 बार इसका अभ्यास करें। अगली क्रिया, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बना करके कष्ट और अंगूठी अंगूठे को मिला करके पहले पैर को दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखें। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। झटके से पेट को अंदर करेंगे, नाभि के हिस्से को, श्वास को बाहर। इस तरह से करेंगे, पेट अंदर श्वास बाहर। इस तरह से करेंगे, कंधे आपके वहीं रहेंगे, केवल पेट का हिस्सा अंदर जाएगा, नाभि के पास का, श्वास बाहर, ऑटोमेटिक श्वास आपके अंदर आ जाएगी। इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। 10-10 बार इसका अभ्यास करें, कम से कम 3 से 4 बार इसका अभ्यास करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, रिलैक्स करें। फिर से वापिस इसका अभ्यास करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर लंबी गहरी सांस भरें, फिर वापिस पूरी सांस को बाहर छोड़ें। कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करें, कपालभाति प्राणायाम का। फिर से वापिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस तरह से इसका अभ्यास करें। 10-10 के सेट, 20 के सेट, 3 से 4 सेट आप इसके करें। 5 मिनट तक कंटिन्यू भी आप कर सकते हैं। जिनको पेट बाहर है या जिनको सांस लेने की समस्याएं हैं, वो इसका अभ्यास जरूर करें। इसका अभ्यास करने से आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे, पाचन तंत्र आपका मजबूत होता है, जो लठरी है वो आपकी स्वस्थ बनती है। पाचन से संबंधित जो भी हम खाते पीते हैं, पचता नहीं है, जिनको ये समस्या रहती है, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जरूर किया करें, ये आपको बहुत लाभ देगा। अगली क्रिया, अपनी आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। आंखों को बिल्कुल एकदम कमर, गर्दन को एकदम सीधा रखें, सामने की ओर देखें, केवल आंख की पुतली को घुमाएं, पहले राइट साइड, फिर वापस सामने, फिर लेफ्ट, फिर राइट लेफ्ट। इस तरह से केवल आंख की पुतली को घुमाना है। कमर गर्दन कंधे एक जगह स्थिर रहेंगे। आइए 7 मिनट के करते हैं। राइट
लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इस तरह से इसका अभ्यास करें जो रोज स्क्रीन फोन, आजकल फोन का उपयोग बहुत होता है, पूरा पूरा दिन हम फोन में रील्स या कुछ यूट्यूब में वीडियो मूवीज वगैरह भी लोग देखते हैं, फोन का यूज ज्यादा करते हैं, लैपटॉप पे बैठते रहते हैं, काम करते हैं, तो आंखों की जो मांसपेशियां हैं उनकी एक्सरसाइज नहीं हो जाती है, एक जगह हम नजर बढ़ा के बैठे रहते हैं, तो जो आंखों की मांसपेशियां उनकी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको रीचिंग की समस्या, दूर और पास का देखने में प्रॉब्लम होगी, आपकी आंखों में दर्द रहना, ये सारी समस्याएं आपकी जो आपकी आंखों को कमजोर बनाती हैं, इसलिए आंखों की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इस तरह से राइट फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरह से अपनी आंखों को घुमाएं कम से कम 20-20 बार, 20 बार राइट देखें, 20 बार लेफ्ट देखें, उसके बाद अगले के लिए अपनी आंखों को ऊपर ले जाएं, पूरा आसमान की तरफ देखें, पूरा ऊपर और नीचे ले जाते हुए अपने पैरों को देखें, इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे आप। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, इस तरह से इसका अभ्यास करें 10-15-20 बार, जितना भी ऊपर देखें फिर नीचे देखें। आपको ये क्रिया रोज इसलिए कराई जाती है, बीच बीच में जो कराते हैं जिससे कि आप हमारे साथ कर सकें, नहीं तो खुद से करनी चाहिए। रोज करें इन क्रियाओं को, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जिनको आंखों में जिनको कम दिखता है, चश्मा लगा हुआ है, उनके लिए बहुत लाभ करेंगी ये क्रियाएं, इसका अभ्यास जरूर किया करें, रोज करें। अगली क्रिया क्रॉस वाइज देखेंगे, जिस तरह क्रॉस का निशान होता है कोने में देखेंगे, पहले इधर फिर नीचे, फिर इधर फिर नीचे, इस तरह से देखेंगे, पहले एक कोना अपने राइट और आपके बीच में जो कोना होता है उसको देखें, फिर नीचे लेफ्ट और जो आपके डाउन का है कोना उसको देखें, इस तरह से इसका अभ्यास करें। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इस तरह से करें 15 से 20 बार, ऊपर कोने में फिर नीचे कोने में, फिर दूसरी तरफ, दूसरा कोना चेंज करेंगे क्रॉस लाइन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इस तरह से इसका अभ्यास करें। रोज इसका अभ्यास करें तो आपको आंखों की एक्सरसाइज होगी, आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिर अगली के लिए अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाएं, राइट साइड से ले जाएं, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, इस तरह से घुमाएंगे कम से कम 10 बार। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से इसका अभ्यास करें। फिर लेफ्ट साइड से घुमाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तरह से इसका अभ्यास करें। अगली क्रिया दोनों हाथ उंगलियों को आपस में रखनी, पूरा गर्म करें, जब तक गर्म ना हो जाए रगड़ते रहें, उसके बाद धीरे से आंखों के ऊपर रखें, गर्म आपको महसूस करें, फिर वापिस रगड़ें, फिर से दोनों उंगलियों को गर्म करें, फिर वापिस आंखों के ऊपर रखें, गर्म आपको महसूस करें, इस तरह से 4 से 5 बार इस क्रिया को दोहराएं, हाथों को गर्म करें, फिर वापिस आंखों के ऊपर रखें। अगली क्रिया अपनी आंखों को पलकों को झपकेंगे 10 से 12 बार फास्ट एकदम, फिर खोले 10 से 12 बार एकदम झपकी, फिर खोले, इस तरह से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
सर एट नाइन इस तरह से इसका अभ्यास करें। फिर दोनों हाथों को रगड़ें, गर्म करें, आंखों के ऊपर धीरे से रखते हुए गर्म आपको महसूस करें, धीरे धीरे आंखों को खोलें। इस तरह से इसका अभ्यास करें 10 से 12 बार। पलकों को झपकें फिर खोलें, पलके झपकें फिर खोलें। इस तरह से इसका अभ्यास करें। अगली क्रिया, अपने राइट हैंड को उठाते हुए फर्स्ट उंगली को अपनी राइट साइड आंख पे, सेकंड बीच में, थर्ड अपनी लेफ्ट साइड आंख पे, इस तरह रखें। और फिर राइट साइड से इस तरह घुमाते हुए गोल गोल घुमाएं। उससे वापिस राइट फर्स्ट उंगली जो आपकी तर्जनी उंगली है उसको अपनी राइट साइड आंख पर रखें, मध्यम उंगली को बीच में रखें जहाँ हम तिलक लगाते हैं, और अनामिका उंगली को अपनी लेफ्ट साइड आंख पर रखेंगे, राइट साइड से घुमाएंगे इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 फिर लेफ्ट साइड से घुमाएं 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से इसका अभ्यास करें 2 से 3 बार। पहले राइट साइड से घुमाएं, फिर लेफ्ट साइड से घुमाएं। इस तरह से इसका अभ्यास करें। फिर अपने दोनों हाथों को उठाते हुए उंगलियों से चार हाथों को चारों तरफ इस तरह से करें 4 से 5 बार। 1 2 3 4 5 फिर वापिस दूसरी तरफ घुमाएं 1 2 3 4 5। इस तरह से इसका अभ्यास करें। अगली क्रिया, अपनी दोनों हाथों को उंगलियों को फर्स्ट उंगली को इस तरह रखें, आंखों के नीचे कोने से शुरू करके और भारत तक इस तरह से घुमाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से इसका अभ्यास करें। फिर अगली क्रिया, आंखों के ऊपर की साइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से घुमाएं। अगली क्रिया, फिर अपने दोनों उंगलियों को बिल्कुल आंख के बिल्कुल कोने में यहाँ रखें, श्वास करें और हल्का प्रेस करें 5 सेकंड होल्ड करें 1 2 3 4 5। उंगलियों को दोनों ढीला करें, श्वास बाहर, फिर से श्वास भरें, प्रेस करें, होल्ड करें 5 2 3 4 5। फिर से वापिस श्वास भरें, होल्ड करें 1 2 3 4 5। इस तरह से इसका अभ्यास करें कि जो चिंता समस्या, दर्द की समस्या, आंखें आपकी स्वस्थ रहेंगी। पानी के झपके ठंडे पानी से जरूर लगाएं, कम से कम 50 बार, पूरा मुंह में पूरा पानी भर करके, गाल को खुला करके, और फिर इस तरह से अपनी आंखों पर एकदम झपके से बिल्कुल साफ करें, आंखों में ठंडा पानी से झपके लगाएं, तो आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, बेहतर रहेंगी। आपको ये क्रियाएं रोज इसलिए कराई जाती है जिससे आप याद कर सकें, इनको रोज अपने जीवन में करने का प्रयास करें, अपनाने का प्रयास करें, ऑटोमेटिक करने का प्रयास करें। खुद से करेंगे, मन से करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि तो एक होता है कि भाई मजबूरी में आकर के करना, एक है खुद को स्वस्थ रखने के लिए, आगे तक को चलाने के लिए खुद से करना, स्वयं से करना, वो ज्यादा हमें लाभ उसका हमें मिलता है, क्योंकि तो हम अंदर से उसके साथ मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो शारीरिक जो रूप है, जो शारीरिक ऊर्जा है, वो हमको अच्छे ढंग से प्राप्त होती है, इससे हमारी आत्मिक उन्नति तो होती ही होती है, साथ में हम स्वस्थ भी रहते हैं और हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, अच्छा हमें महसूस होता है। तो इन क्रियाओं को जरूर रोज करा करें। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो पीछे स्क्रीन पर नंबर भी है 4040404, वो नंबर आपको दिख भी रहा होगा, इस पर कॉल करें, हमारे डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे, किसी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्या है आप उनको अपनी समस्या बता सकते हैं, वो आपको परामर्श देंगे। 4040404 इस नंबर पर संपर्क करें और योग को अपने जीवन में रोज नियमित रूप से करते रहें,
हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, बाहर घूमने जाएं, पार्क में टहलें सुबह सुबह। इस तरह से आप योग का अभ्यास करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने जीवन में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।